नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़ और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा ने शहर के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों व फुटपाथों को सुधार करने के साथ ही अधिकाधिक पौधारोपण करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समीर शर्मा ने सर्किट हाउस रोड, भाटी चौराहा, पांचवती चौराहा सहित विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। इस दौरान जेडीए और नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे। बीकानेर में 5 महीने बाद जिले भर के स्वास्थ्य अधिकारियों डॉक्टर्स की बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड के साथ दूसरी बीमारियों के नियंत्रण और टीकाकरण पर भी ध्यान दो। कोविड रोगी बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिनकी हालत ठीक है और घरों में सुरक्षित रहने का इंतजाम है, उन्हें होम क्वारंटाइन ही करो। गाँवों में लिए जा रहे अनावश्यक सैंपल की बजाय जो संदिग्ध है, पॉजिटिव के संपर्क में आया है या एक गाँव में ज्यादा प्रवासी आए हैं, तो उन सभी की बजाय कुछ लोगों के सैंपल लो। गणेश चतुर्थी पर घरों में विराजेंगे गणपति बप्पा। विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी जोधपुर में शनिवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाई गई है, इसलिए गणेश प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर विराजमान नहीं किया जाएगा। श्रद्धालु अपने घरों में ही गणेश प्रतिमाएं विराजमान कर सकेंगे। गणेश मंदिरों में भी केवल पुजारी और उनके परिजन पंचामृत अभिषेक व पूजा अर्चना करेंगे। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2020 की तारीखों की घोषणा हो गई है। बीकानेर स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 30 अगस्त 2020 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभाग का कहना है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी हो सकते हैं, इसलिए परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। जोधपुर संभाग के सिरोही जिले के आबू रोड शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होमगार्ड के हेड कांस्टेबल भूरा राम को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी के एएसपी नारायण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने के नाम पर प्रति होमगार्ड 2,000 रुपए की रिश्वत का खेल लंबे समय से चल रहा था। बीकानेर जिले में कोरोना का कहर जारी है। शाम को आई तीसरी रिपोर्ट में 29 संक्रमितों की पहचान हुई है। शुक्रवार को सुबह जारी हुई पहली रिपोर्ट में 11 और दूसरी रिपोर्ट में 48 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश की सभी मंडियां बंद रही। जोधपुर में भी प्रदेश की सबसे बड़ी जीरा मंडी बंद रही। यहां किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ और इसमें करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ। बीकानेर जिले के कोलायत में वैश्विक महामारी कोरोना रोकथाम को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास परियोजना ने महिला रैली निकाली। अंबेडकर सर्किल पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्राचार्य नीना भारद्वाज व महिला पर्यवेक्षक मंजू सोनी ने संयुक्त रूप से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉकडाउन के बाद से ही जोधपुर शहर में विद्युत बिलों में लगातार गड़बड़ी आ रही है। लोगों के विद्युत बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, इसको लेकर आए दिन प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शुक्रवार को बढ़े हुए विद्युत बिलों के खिलाफ जालोरी गेट स्थित बड़ी ईदगाह के बाहर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने विद्युत बिलों को माफ करने की मांग भी दोहराई। बीकानेर में कोरोना को हराने के लिए सिस्टम ने अब कोरोना की सैंपलिंग पर जोर देना शुरू कर दिया है। लोगों को जांच के लिए जागरूक करने के लिए बीकानेर शहर में 3 मोबाइल सैंपलिंग यूनिट चलाई जा रही है। इस यूनिट में शामिल 3 वाहन डोर टू डोर जाकर लोगों को कोरोना की जांच कर रहे हैं। संभागीय कार्यालय संस्कृत शिक्षा के सहायक उप निरीक्षक डॉक्टर भंवर लाल द्वारा संस्कृत विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था प्रधान सहित सभी शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, विद्यालय बंद पाया गया, जबकि सभी शिक्षकों को देववाणी एवं स्माइल ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण के लिए पूर्व में ही विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जोधपुर क्षेत्र के लूणी विधायक महेंद्र विश्नोई का ग्रामीणों ने विकास कार्यों की स्वीकृति दिलाने पर आभार जताया और स्वागत किया। ग्रामीणों ने घर घर जल योजना के तहत 102.55 लाख रुपए की स्वीकृति दिलवाने और ग्राम पंचायत मोगड़ा से शिकारपुरा राजाराम आश्रम तक 9 किलोमीटर कच्चे मार्ग का डामरीकरण करवाने पर विधायक महेंद्र सिंह विश्नोई का उनके आवास पर जाकर धन्यवाद व आभार जताया। जोधपुर पाली एक्सप्रेस के प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जोधपुर पाली हाईवे पर दोनों ओर घूम रहे आवारा पशुओं के सींग पर लाल रंग के रेडियम लगाकर गले में रेडियम बेल्ट पहनाया, ताकि रात्रि में वाहन चालकों को घूम रहे आवारा पशु दिखाई दे सकें। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल बारट ने एक आदेश जारी कर 3 थाना अधिकारियों का तबादला किया है।
आदेशानुसार पुलिस निरीक्षक सुरेश चौधरी को फलोदी व देवेंद्र सिंह को शेरगढ़ और उप निरीक्षक चैन प्रकाश को बुरुंदा थानाधिकारी के पद पर लगाया है और वहां फलोदी थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह व शेरगढ़ थानाधिकारी कैलाश दान को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। जोधपुर जिले के बावरला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग से प्राप्त बरगद, अनाम, शीशम, पीपल, गुल्लम व नीम के पौधे लगाए गए। विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं बावरला ग्राम पंचायत के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सोहन नाथ विश्नोई ने वृक्षों का महत्व बताया। मानवाधिकार संरक्षण की ओर से प्रकृति को हरा भरा रखने के उद्देश्य से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासनी चौहान झालामंड में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रकृति के संरक्षक व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए सभी को जीवन में वृक्ष लगाने की अपील की गई। विप्र फाउंडेशन की ओर से कोरोना महामारी से प्रभावित समाज के जरूरतमंद वर्ग को राहत प्रदान करने के मकसद से राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई विप्र केयर योजना जोधपुर में प्रारंभ हो गई। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री कैलाश सारस्वत ने बताया कि विप्र केयर योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भोजन सामग्री किट पहुंचाने के साथ साथ कन्या विवाह, गंभीर बीमारी तथा शिक्षा में नगद आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच एक मकान मालिक ने अपनी 5 दुकानों का किराया माफ किया है। जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस लाइन मैन गेट के सामने स्थित शिव पार्वती भवन में बनी अपनी 5 दुकानों का लॉकडाउन अवधि का मकान मालिक दीपक सोनी ने 2 माह का 65,000 रुपए किराया माफ किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। ब्रिटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।